तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि स्यूंजे पर उसी टैक्सी ड्राइवर ने हमला किया था, जिस वजह से स्यूंजे की कंडीशन बहुत सीरियस थी। सीसीटीवी फुटेज में दिखाते हैं टैक्सी ड्राइवर जब स्यूंजे के अपार्टमेंट में एंटर हुआ तो वो उसे बहुत बुरी तरह मारने लगा। स्यूंजे खुद को बचाने की कोशिश करता है लेकिन टैक्सी ड्राइवर नाइफ से नॉनस्टॉप स्यूंजे पर अटैक करता है, जिस वजह से वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और उसे हॉस्पिटल एडमिट करवाया जाता है। इम्सोल भी भागती हुई वहाँ जाती है और स्यूंजे के पापा की कंडीशन देखकर रोने लग जाती है। फिर तभी उसे अपनी टाइम ट्रैवल वॉच की याद आती है, यानी कि अब वो पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक करेगी। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसको वॉच नहीं मिलती। उसकी मॉम पूछती है कि तुम क्या ढूंढ रही हो, कि तभी इम्सोल देखती है कि उसकी ग्रैंड मॉम ने वॉच पहनी हुई है। वॉच देखकर इम्सोल बहुत खुश हो जाती है। फिर वो स्यूंजे के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें मेरी वजह से मरने नहीं दूंगी। और जब वॉच पर 12 बजते हैं तो वो उसी टाइम बटन को प्रेस करती है और पास्ट में चली जाती है। फिर पास्ट में हम देखते हैं कि इम्सोल एक स्टैचू के ऊपर होती है और सभी उसे देख रहे होते हैं। इम्सोल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो एक बैनर को देखती है जिस पर 2009 लिखा होता है, जिसका मतलब है कि वो पास्ट 2009 में आ चुकी है। फिर तभी वो स्टैचू से नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी स्यूंजे उसे पकड़ लेता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। फिर इम्सोल स्यूंजे को बिना थैंक्स कहे वहां से भाग जाती है। फिर हम इम्सोल को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। वो टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है अपनी किडनैपिंग की, जो कि 1 साल पहले हुई थी। फिर वो टैक्सी ड्राइवर की कार की कीज भी देती है। दूसरी तरफ स्यूंजे सोच रहा होता है कि इम्सोल मुझे देखकर ऐसे क्यों भाग गई। फिर वो अपने दोस्त से पूछता है कि किडनैपिंग वाले इंसिडेंट के बाद से इम्सोल मुझे सिर्फ इग्नोर करती थी, लेकिन आज उसने पहले मुझे देखकर ब्लश किया और देन भाग गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे लाइक करने लगी हो। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें हेट करती है। और ये सुनते ही स्यूंजे को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर स्यूंजे के दोस्त को स्यूंजे का लिखा हुआ वही सॉन्ग मिलता है जो उसने इम्सोल के लिए लिखा होता है, तो वो स्यूंजे को और भी ज़्यादा टीज करने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट स्कूल ट्रिप के लिए जाते हैं। इम्सोल वहाँ भी स्यूंजे से छिपने की कोशिश करती है लेकिन स्यूंजे उसे देख लेता है। फिर हम देखते हैं कि सभी बच्चे एक गेम खेलते हैं और जो भी उस गेम को हारेगा उसे दूसरे डिपार्टमेंट के सामने जाकर डांस करना होगा, जो कि स्यूंजे का डिपार्टमेंट है। गेम में इम्सोल हार जाती है और रूल के अकॉर्डिंग उसे दूसरे डिपार्टमेंट के सामने जाकर डांस करना पड़ता है। इम्सोल वहां देखती है कि थैंक गॉड स्यूंजे यहां नहीं है। जब वो अजीबोगरीब डांस कर रही होती है तभी स्यूंजे उसे देख लेता है, जो कि वहीं पर सो रहा था, और इम्सोल को देखकर हंसने लग जाता है, जिस वजह से इम्सोल एम्बेरस होकर वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि इम्सोल बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और जंगल की तरफ चली जाती है। स्यूंजे उसे जाते हुए देख लेता है, इसलिए वो उसके पीछे जाता है। जब इम्सोल नशे की हालत में नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी स्यूंजे उसे बचा लेता है, लेकिन इम्सोल स्यूंजे को देखकर रोने लग जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते और क्यों बार बार मुझे बचाने आ जाते हो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। इम्सोल की ये बातें सुनकर स्यूंजे का दिल टूट जाता है। फिर जब वो ट्रिप से वापस आ जाते हैं तो स्यूंजे इम्सोल से अपने सॉन्ग के बारे में पूछता है कि तुम्हें मेरे रेन सॉन्ग के बारे में कैसे पता। एक्चुअली ये सॉन्ग स्यूंजे ने इम्सोल के लिए लिखा होता है और अभी तक किसी को इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए स्यूंजे इम्सोल से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, क्योंकि इम्सोल उस दिन नशे में इसी सॉन्ग को गुनगुना रही थी, इसलिए स्यूंजे शॉक हो गया था।
तो जब स्यूंजे उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, तो वो कहती है कि मुझे वापस जाने से पहले सब कुछ ठीक करना है। तो स्यूंजे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो वो कहती है कि मुझे अपने टाइम में वापस जाना है जहाँ से मैं आई हूँ, यानी कि अपने फ्यूचर में वापस। तो ये सुनकर स्यूंजे शॉक हो जाता है, इसलिए वो इम्सोल से पूछता है कि क्या तुम सच में फ्यूचर से आई हो, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही रहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इम्सोल स्यूंजे को वही वॉच दिखाती है और बताती है कि मैं इस वॉच से आई हूँ। तो स्यूंजे उसकी बात पर ब्लेम नहीं करता और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे दूर होना चाहती हो, इसलिए ये स्टोरी बना रही हो, तो इसलिए तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ही जल्द US जाने वाला हूँ, इसलिए झूठी कहानियाँ बनाना बंद कर दो, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि स्यूंजे के साथ एक लड़की आकर बैठ जाती है और उन दोनों को साथ में देखकर इम्सोल जेलस फील करती है। फिर इम्सोल अपनी फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में आई होती है। दूसरी तरफ स्यूंजे भी अपने फ्रेंड के साथ वहीं आता है। इम्सोल जब बिल पे करने जाती है कि तभी उसके वॉलेट में से कुछ कॉइन नीचे गिर जाते हैं, और वो कॉइन कलेक्ट करते करते स्यूंजे के टेबल के नीचे आ जाती है। और जब वो स्यूंजे को देखती है तो वो छुपने की कोशिश करती है। स्यूंजे के साथ वही लड़की होती है और वो स्यूंजे को प्रपोज भी करती है। इम्सोल उन्हें साथ में देखकर जेलस होती है। इससे पहले कि स्यूंजे उस लड़की के प्रपोजल का जवाब दे पाता कि तभी इम्सोल का फ़ोन बजने लगता है, इसलिए वो अपने सिर पर डस्टबिन पहनकर वहां से भाग जाती है। सभी सोचते हैं कि ये लड़की कौन थी, कि तभी इम्सोल की फ्रेंड कहती है कि अरे ये तो इम्सोल है, जिसे सुन स्यूंजे उसके पीछे भागता है, लेकिन इम्सोल वहां पर नहीं दिखाई देती। स्यूंजे का दोस्त कहता है कि इम्सोल बहुत हर्ट होगी तुमको उस लड़की के साथ देखकर, और देखना जरूर वो रो रही होगी। स्यूंजे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इम्सोल मुझे लाइक नहीं करती। जब वो घर जाता है कि तभी उसे इम्सोल के रोने की आवाज़ें आती है। इम्सोल सच में उन दोनों को साथ में देखकर बहुत जेलस फील करती है और रो रही होती है कि तभी इम्सोल के चप्पल छत से नीचे गिर जाती है। जब वो देखती है कि ये तो स्यूंजे के हाथ में है, तो वो भागती हुई नीचे आती है और सॉरी बोलती है। फिर स्यूंजे उसे बताता है कि मेरा उस लड़की के साथ कोई लेना देना नहीं है, और मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ, इसलिए लास्ट टाइम तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। इम्सोल स्यूंजे को झूठ बोल देती है कि नहीं, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। तो ये सुन स्यूंजे का बुरी तरह से दिल टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम स्यूंजे को देखते हैं जो कि US जा रहा होता है अपने शोल्डर के इलाज के लिए। फिर स्यूंजे अपने डैड को बाय बोलकर वहां से जाने लगता है। स्यूंजे बार बार पीछे देख रहा होता है कि शायद इम्सोल यहां आ जाए, लेकिन इम्सोल नहीं आती, जिसके बाद हमें इम्सोल को दिखाया जाता है जो कि प्लेन को देख कर स्यूंजे को गुड बाय कर रही होती है। इम्सोल खुश थी कि स्यूंजे अब सेफ रहेगा, लेकिन मन ही मन में वो काफ़ी उदास भी थी। जब इम्सोल घर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे वही टैक्सी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है और वहां से भागने लगती है। टैक्सी भी उसके पीछे पीछे आती है। इम्सोल को लगता है कि शायद आज मेरा आखिरी दिन है, लेकिन तभी स्यूंजे वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर इम्सोल काफ़ी शॉक हो जाती है। और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Mm.
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।